अगर मैं कहूँ जस्ट ये 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपकी आवाज कुछ ऐसे से ऐसी हो जाएगी तो क्या गलत है? हाँ, अगर आपको लगता है कि अच्छी YouTube वीडियो के लिए लाखों का कैमरा चाहिए, हजारों का माइक, तो ये सब कुछ झूठ है कुछ हद तक। क्योंकि अगर आपको अच्छे से आपकी वॉइस को एडिट करना आता है, रिकॉर्ड करना आता है, तो यकीन मान चाहे आपके पास 1000 रुपए का बोया का माइक ही क्यों ना हो, आप कमाल की ऑडियो क्वालिटी निकाल लोगे। और इस वीडियो में मैं आपकी वीडियो क्वालिटी तो नहीं बट ऑडियो क्वालिटी को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। इनफैक्ट आपको लाइव बताने वाला हूँ कैसे मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे उसे एडिट करता हूँ। इनफैक्ट विदाउट एडिट तो आप मेरी वॉइस देख ही चुके हो वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कि बिल्कुल भयंकर है, और एडिट होने के बाद तो और भी भयंकर हो जाती है। बट उससे पहले धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर का, जो है आप लोग। आपके काफी सारे कमेंट और काफी प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट ने हमें इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखो, हमने आपके लिए वीडियो बना दी, आप भी हमारे लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, या फिर कमेंट सेक्शन आपका ही है, दिल खोल कर कमेंट करो। ओके, सबसे पहले इस माइक की बात कर लेते हैं। इसको मैंने अमेजोन से बाय किया था 11,000 रुपए के आसपास, बट इसकी मैं डिटेल वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी भी हो जाएगी। बट अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगती है और आप इस माइक की भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, दिल खोल कर कमेंट करना। बाकी ये माइक मेरी तरफ से सजेस्टेड है, काफी अच्छा माइक है, और सेल के दौरान तो आप इसे 10,000 रुपए से नीचे भी खरीद सकते हैं। तो खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसे बाय कर पाओगे। ओके, अब टाइम है वॉइस को रिकॉर्ड करने का, बट उससे पहले आपको कुछ कमाल की टिप्स बता देता हूँ। टिप्स नंबर 1, एको को खत्म करो। उसके लिए चाहे आप ज्यादा खर्चा करो यानी अकुस्टिक फोम, या फिर जुगाड़ लगाओ जैसे कारपेट, पर्दे, या फिर घर का फालतू सामान, जो करना है करो, बट एको खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड टिप्स का ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको घर का वो कोना पकड़ना है जहाँ पर सबसे कम शोर शराबा हो, यानी घर के सारे पंखे कूलर बंद कर दो, जितनी हो सके उतनी बाहर की आवाजें कम कर देना। वैसे इस वीडियो में मैं आपको नॉइज रिडक्शन करना सिखाने वाला हूँ, बट थोड़ी मेहनत खुद भी करो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, जितना हो सके अपने माइक से प्यार करो, क्योंकि जितना आप इससे दूर जाओगे उतनी आपकी आवाज खराब होती जाएगी, और जितना आप इसके पास आओगे उतनी आपकी आवाज में डिटेल एंड बेस आएगा। तो हमेशा करीबी बना के रखो। और हाँ, अगर आप आउटडोर में शूट करते हो या फिर सह की आवाज ज्यादा निकलती है तो आप विंड कैप या फिर ये पॉप फिल्टर यूज कर सकते हैं, जो आपको लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन जस्ट 350 के आसपास मिल जाएंगे। और इनको यूज करते हुए तो ऐसा फील होता है जैसे मैं अपने स्टूडियो में खड़ा हूँ और एक भयंकर गाना गाने वाला हूँ, कमाल का गाना, दिल डूबा डूबा। ओके, ये हैं सारी टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और हम यूज करने वाले हैं बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर, जो है ओडासिटी, जिसको आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये काफी इजी सॉफ्टवेयर है। और यही अगर आप प्रीमियम प्रो में एडिट करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको 2-3 प्रीसेट बता दूंगा वीडियो के एंड तक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो चलते हैं एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अब हम ओडासिटी को ओपन करेंगे। ओके, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलने वाला है, और इस रेड डॉट पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड में आर प्रेस करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि उसे हम एडिट कर सकें। तो उसके लिए मैं ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा, एड न्यू पर क्लिक करूंगा और मोनो ट्रैक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें तो प्लीज पहली 10 सेकंड आप बिल्कुल शांत रहें, अपने माइक को बाहर का शोर कैप्चर करने दें ताकि बाद में आपको नॉइज रिडक्शन करने में आसानी हो। तो मैं भी कुछ वैसा ही करने वाला हूं। ओके, ये है माइक टेस्ट, और ये मेरी आवाज है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, और आप भी अपनी आवाज को कुछ ऐसे ही एडिट करना, 4-5 आपको बिल्कुल सिंपल सी। तो देखो, अब वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+A को प्रेस करना अपने कीबोर्ड पर और ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको इफेक्ट सेक्शन पर जाना है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाना है, और यहाँ पर इस ऑडियो को कंप्रेस कर देना है, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उसी पर आपको कंप्रेस करना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 12 dB है, -40 dB है, 2:1 रेशो है, और इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो देखो, अब ये ऑडियो कंप्रेस हो चुकी है। अब उसके बाद हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, और इसी सेक्शन में सबसे लास्ट में आपको नॉर्मलाइज का ऑप्शन मिलेगा जहां पर हम क्लिक करेंगे, और इसको भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पर ही हम अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो -1.0 है, तो हम अप्लाई कर देंगे।
ओके, जब हमने वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और हम 10 सेकंड शांत रहे थे, अब उस बात का हमें फायदा होगा। हमें पता है कि सारा नॉइस कहां पर है। हम उसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट सेक्शन पे जाएंगे, नॉइज रिडक्शन पे जाएंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे। मैं हमेशा 12 dB तक का ही नॉइज रिडक्शन करता हूं, बट अगर आपकी ऑडियो में ज्यादा शोर शराबा है तो आप इस नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब गेट द नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक करना है, वही कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करना। ओके, अब दोबारा से इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, वहीं पर नॉइज रिडक्शन में जाएंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे और जस्ट ओके को प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सारा जो शोर शराबा था वो गायब हो चुका है इस ऑडियो से। इनफैक्ट मैं अगर इसे प्ले करूं तो ओके, ये है माइक टेस्ट और ये मेरी आवाज है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, और आप भी अपनी आवाज को कुछ ऐसे ही एडिट करना। तो हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, इसके अंदर से सारा नॉइस जा चुका है। अब हम इसके अंदर बेस एंड ट्रबल ऐड करेंगे। उसके लिए फिर आपको इफेक्ट सेक्शन पे जाना है, EQ फिल्टर में जाना है और फिल्टर EQ पर क्लिक कर देना है। यहाँ इस ग्राफ को देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीसेट सेटिंग में जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट में जाना है और ट्रबल बूस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन्होंने 9 dB तक का उठा रखा है, बट मैं पर्सनली इसे 7 dB तक का ही रखता हूँ या फिर 6 dB तक का। तो आप भी इस नंबर को अपनी आवाज के हिसाब से ही रखना और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर ट्रबल ऐड हो चुका है। अब हम बेस ऐड करेंगे, उसके लिए भी फिल्टर ई के ऊपर जाना है और इसे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें फैक्ट्री प्रीसेट में सिलेक्ट करना है बेस बूस्ट। और यहाँ पर भी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 9 dB है, बट हम इसे 7 dB के आसपास लेकर जाएंगे, यानी 6 dB से ऊपर और 9 dB से काफी नीचे, और इसे अप्लाई कर देंगे। ओके, अभी इस ऑडियो के अंदर से सारा शोर शराबा गायब हो चुका है, बेस ऐड हो चुका है और ट्रबल भी ऐड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट के लिए भी आपको इस सेक्शन पर आना है, लिमिटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सॉफ्ट लिमिट या हार्ड लिमिट लगा सकते हो। मैं हमेशा सॉफ्ट लिमिट ही लगाता हूँ। ओके, लिमिट लगाने के बाद अब हम इसे एम्पलीफाई करेंगे। इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर एम्पलीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट है 3.0, बट मैं इसे हमेशा 4 dB या फिर 5 dB तक ही सिलेक्ट करता हूं और इसे अप्लाई कर देंगे। और लास्ट में हम एक बार फिर इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे और ये होगी वही सॉफ्ट लिमिट का हम यूज करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये ऑडियो तैयार हो चुकी है। मैं अपनी सारी वीडियोस में ऐसे ही मेरी ऑडियो को एडिट करता हूँ, इन्हीं स्टेप का यूज करता हूँ। आप भी इन्हीं स्टेप का यूज कीजिए, काफी कमाल का आउटपुट मिलेगा। ओके, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे इसे एडिट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन आपका ही है। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करो, मैं लेके आ जाऊंगा, वीडियो क्वालिटी के ऊपर भी और बैकग्राउंड लाइटनिंग के ऊपर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद।